Children, play a game that is Duck Charades. The game name is Duck Charades. Now, in this game, everyone has to let other know what they want to say without speaking. बिना बोले उन लोगों को समझ रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं. Now, divide children into small groups. Then teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it. And each group will read what is written on the paper and prepare a silent Now
peoples who can not hear or speak sign language is taught to them. And now in your book, let's all read a child who cannot hear great, who can do many things. आपके बुक्स में एक पोएम है जिसमें एक गर्ल है जो सुन नहीं सकती बट कैन डू मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज कर सकती है. मी एंड माय सिस्टर, द पोएम नेम इज मी एंड माय सिस्टर. स्मॉल गर्ल चकू, एक गर्ल होती है उसका नाम चकू. सी कैन नॉट हियर, सी इज डेफ बाय बर्थ. हर एल्डर ब्रदर इज नंदू, उसके एल्डर ब्रदर का नाम है नंदू. नंदू एंड चकू प्ले टुगेदर, वो दोनों साथ में खेलते हैं. चकू प्लेज द पियानो वेरी वेल, चकू क्या बजा सकती है, पियानो अच्छे से बजा सकती है. सी लाइक्स टू फील द डीप रमलिंग रॉड्स बट सी विल नेवर एबल टू सिंग. एंड she cannot hear the tune. She likes to leap, to tumble, to roll, to climb to the top of the monkey bars. Now my sister has started going to my school. Although our mother still helps her leap read at home. उसके बाद उसकी sister क्या करने लगती है, उसके साथ school जाने लगती है. But her mother still helps her lip read at home. The teacher and children do not understand every word she says, like sister or water or thumb. Teacher or children जो स्कूल में है वो जो बोलती है वो सब कुछ नहीं समझ पाते. Like sister, water or thumb. And I wore my sunglasses yesterday. नंदू ने ही वॉर सनग्लासेस. द फ्रेम वेयर वेरी लार्ज, फ्रेम कैसा था, लार्ज था. द लेंसेस आर वेरी ब्लैक, माय सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक टू माय ब्राउन आईज, से टू हर ब्राउन आईज. व्हाट डू माय ब्राउन आईज से टू हर ब्राउन आईज, उसके ब्राउन आईज से और मेरे ब्राउन आईज से दोनों क्या हुआ, कनेक्ट हुआ तो क्या बोला होगा. आवर आईज टेल अ लॉट, सम चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स. इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू. जो बच्चे बोलना नहीं सीख पाते वो भी बहुत कुछ बोल जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स. नाउ फेस इज अ मिरर, ओके. ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months, हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स. जो बच्चे 6 और 8 months के होते हैं वो बोल नहीं सकते तो वो कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं. चिल्ड्रन मेक एक्शन बाय स्माइलिंग, लाफिंग, क्राइंग एंड बाय मूविंग देयर हैंड्स एंड फीट्स. वो क्या करते हैं, स्माइलिंग करते हैं, लाफिंग करते हैं, क्राइंग एंड मूविंग हैंड्स एंड फीट्स. दे एक्सप्रेस देयर नीड्स टू देयर पेरेंट्स थ्रू सच जेस्चर्स. एंड क्या करते हैं, दे एक्सप्रेस जो उनको चाहिए होता है वो उसके पेरेंट्स को यही एक्शन के थ्रू वो बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. नाउ इन ऑन पेज नंबर 48 यू हैव टू ड्रॉ देयर फेसेस, स्नैप रीड एंड ड्रॉ. इन द फर्स्ट पिक्चर दिस इज अल्ताफ. फर्स्ट पिक्चर में कौन है, अल्ताफ है. His favorite toy has fallen down and broke. उसका favorite toy क्या है, गिर जाता है और टूट जाता है. He is sad. He looks sad. How will his face looks? तो sad हुआ तो किसके साथ होगा, sad होगा. His face looks
के लिए। Now how will her face look? उसका फेस कैसा दिखता होगा? Her face looks excited. वो excited. ये तो excited ही देखेगा. So draw that in your books or notebooks. And in third picture, this is Rukta's mother. And today while Rutva was talking out the bottle of pickles from the kitchen, it fell from her hand and broke. On her mother's face was angry and shouted at her. उनका फेस कैसा था? गुस्से वाला और shouted, चिल्लाते हुए. So draw that face on your book and notebook. And in fourth picture, this is Rehana. Fourth picture में कौन है? Rehana. She is afraid of dogs. वो dog से डरती थी. One day, suddenly a dog came in front of her. जब वो खेल रही हुई थी, तब क्या है? एक dog आ गया उसके सामने. How will Rehana's face look? Rehana का face कैसा दिखता होगा? Her face looks afraid, means डरती हुई. So draw that pictures, draw that face in your book and notebook. By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. हम किसी का face देखते हैं तो क्या? उसके face देख के भी हमें मालूम पड़ता है कि वो happy है, sad है और angry है. Now we can talk through dance as well. हम dance करके भी talk कर सकते हैं. In dance, the hands and face are used to convey feelings. Dance में क्या use करते हैं? Hands and face. These are called mudras and bhavs. ये उसको क्या बोलते हैं? Mudras and bhavs. And on your book page number 51, you will see the squirrel's picture doing something. उसमें squirrel का picture होगा, उसमें कुछ वो कर रहा है. By the help of this picture, you have to make a story. Picture की मदद से आपको क्या करना है? एक story बनाना है. Now in first picture में क्या है? Once there was a little squirrel. It lived on a tree on the outskirts of the village. It was a happy and playful little creature. It had many animals friends. One day the squirrel thought of serving thick puri to her friends. उसने क्या सोचा कि इसके फ्रेंड्स को वो हीरो पूरी सर्व करेगा. And now on in second picture, next day it invited all its friends for a lunch of heer puri. उसने अपने सब फ्रेंड्स को इनवाइट किया हीरो पूरी खाने के लिए. Then it returned home and first of all fried puris in the frying pan. उसने क्या किया? फ्राइंग पैन में पूरी फ्राई किया. And in third picture, after the puri is ready, puri is ready हो गया, then it prepared the khir on the stove. उसके बाद क्या किया? स्टोव में उसने खीर बनाया. Just the both dishes are ready. जब दोनों dishes ready हो गए, then its friend arrived. उसके बाद क्या? उसके friend आगे खाया.